अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। हमारे साथ आज खास मेहमान एबीवीपी के जिम्मेदार रोहित हुमनावादे मठ हमारे साथ मौजूद हैं। आज उन्होंने एहतजाज किया और डीसी को मुतालबा पेश किया कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसे रद्द न करते हुए। अच्छा सर, रद्द करने की वजह क्या है सर? नहीं सर, वो क्या हो रहा है, वो सिर्फ उनका राजकीय एक राजकीय रहते हैं। पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, उनका अभी प्रणाली के में हम लोग छोड़े हैं, एनईपी रद्द करते हैं, ऐसा कांग्रेस सरकार बोल रहा है। एनईपी रद्द कर क्यों रद्द करते उनको भी मालूम नहीं है, क्यों क्या है। मैं हम लोग उनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं, नहीं, एक उमूमन इस ताल्लुक से कहा जाता है सर कि एक समाज का एक रिप्रेजेंटेशन जिसमें खासकर हिंदू समाज को प्रमोट करने की बात कही जाती है, क्योंकि शिशु मंदिर से एडमिशन लेना है, फिर कई सारे जो देश के लिए लड़ने वाले लोगों के भी पाठों को हटाया जा रहा है, इस तरह की भी बात कही जाती है, बारहा कांग्रेस की तरफ से इल्जाम लगाया। नहीं सर, वो सभी झूठ है। वो क्या है सर, उनको बताने के लिए कुछ नहीं है करके अभी जाति का ला रहे सर, अभी हिंदू का है, मुस्लिम का है, वैसा बात करते हैं। उसमें अभी स्टडीज में वैसा नहीं रहता ना सर, किधर भी वैसा। अभी इतना दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं, वैसा कुछ भी रहे तो वो निकालने को ये रहता ना सर, उसमें है क्या, वो देखने को भी नहीं आ रहे। वो किस हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो सभी है आप बोल रहे हैं, किसके बात आप सुन रहे हैं, किसके साथ आपका चर्चा हुआ है, आपका चर्चा किसी के साथ। अभी हमको तज्ञ बोलते हैं उनको, हाँ उन्होंने रहता है अभी एजुकेशन फील्ड में रहते हैं, बहुत साल से वो उसका अध्ययन करते रहते हैं, उनके साथ आपका क्या तो बातचीत हुआ है क्या, उनके साथ आप बैठ के आप चर्चा किए क्या। आप लोग पैसा पहला डिसाइड करते कि हम लोग एनईपी रद्द करते हैं, बाद में यूनिवर्सिटी को उपकुलपति को सभी को लेके आप लोग मीटिंग करते हैं और बाद में बोलते कि नहीं हम लोग कभी अभी करने वाले बोल रहे हैं। नहीं, खासकर अभी हमने देखा कि अब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई तो सावरकर का पाठ हटाया जाता है, बीजेपी आती है तो टीपू सुल्तान का पाठ हटाया जाता है, तो इस तरह की जो बातें देखी जा रही है। और ये भी कहा जाता है कि नहीं और उसमें गोलवालकर का है, हेडगेवार का है, इस तरह से पाठ डालकर यानी कि एक संघ की विचारधारा को आम करने की कोशिश की जा रही है। नहीं सर, अभी कैसा हुआ है, अभी एनईपी का हम लोग एनईपी का क्या इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे वो लोग सिर्फ इतना ही देख के नहीं किया है। हाँ। आप लोग देख सकते हो उसमें अभी हमारा अभी कर्नाटका का है, कर्नाटका का अभी कन्नड़ में लिखना का ये दे रहे हैं, उसमें भाषा में लिखने के लिए उनको एक प्रोविजन है, वो सभी उसमें इंक्लूडिंग है, ये सभी नहीं है उसमें। ये सिर्फ क्या हुआ है, अभी हम बात करने का है, सिर्फ अभी क्या बात करने का, उसमें क्या है आप देखे है क्या, उनके साथ चर्चा करो ना। आप कभी चर्चा करते हैं बाद में आपको मालूम पड़ता है नहीं ऐसा ऐसा है करके। आप कुछ भी नहीं चर्चा कर रहे, किसी के साथ नहीं चर्चा कर रहे ना, क्या ये नहीं कर रहे, डायरेक्ट आ रहे नहीं हम लोग निकालते बोल रहे, क्यों निकाल रहे वो हम लोग पूछ रहे, उसमें नहीं तो है वही ये बातें बता रहे ना वो लोग कि इसमें जो है नफरत की बात कही जाती है और जो लोग स्वतंत्र लड़ाई में हिस्सा नहीं लिए उनके पार्ट डाले जा रहे हैं। हम लोग एक मिनट, अब हम लोग पूछे उनको क्वेश्चन पूछे, आप लोग देख सकते हैं इधर उन्होंने कहा है कि नहीं हम अब ऐसा हिंदू का ये कर रहे हैं, हेगड़ेवार जी का उनका लेके कर रहे हैं, सावरकर जी का कर रहे हैं, वो वैसा नहीं रहता ना। अभी इतने साल से पढ़ते आ रहे हैं, किधर है, किधर पढ़े आप लोग, हम लोग वो स्कूल में पढ़ रहे थे, वो उसका एक सिलेबस लेके निकाल लेते, वो निकाल के पढ़ रहे थे। एनईपी इम्प्लीमेंटेशन है, वो डिग्री कॉलेज में अभी एनईपी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं, क्या बोल रहा हूँ, आप लोग अभी बीजेपी आता है ये करते हैं, कांग्रेस आता है मैं निकाल तो बोलते हैं, विद्यार्थी उन्हें क्या करने का है, वो पढ़ना कैसा पढ़ने। अभी देखो अभी एनईपी आप लोग निकाल रहे हैं, बाद में आईआईटी आईएम में वो लोग बाहर से आते हैं ऑल ओवर इंडिया में, हाँ तभी हम लोग कर्नाटका आने वाले बच्चे क्या करने वाले, तभी क्या देखने वाले है, क्या हिंदू का विद्यार्थी है, मुस्लिम का विद्यार्थी है, ऐसा देखते हैं क्या हम लोग की तरफ। नहीं लेकिन एबीवीपी को उसी संघ परिवार के हिस्से में ही देखा जाता है सर। कैसा रहता है सर, एबीवीपी है क्या स्टूडेंट मूवमेंट है सर, स्टूडेंट के लिए कुछ भी रहा तो भी जात धर्म देखा नहीं देखता नहीं प्रेरित रहती है। लेकिन एनईपी सिर्फ हिंदू स्टूडेंट्स को उतना इम्प्लीमेंट करो करके हम लोग नहीं बोल रहे ना सर,
ये ऑल ओवर इंडिया में रहने वाले स्टूडेंट्स को इम्प्लीमेंटेशन है। इसमें सभी आते हैं, हिंदू के भी स्टूडेंट्स आते हैं, मुस्लिम स्टूडेंट्स आते हैं, सभी स्टूडेंट्स आते हैं। सभी बच्चों के लिए अच्छा होना चाहिए ना। अभी ग्रामीण से आने वाले बच्चे रहते हैं, उनको बसेस का सभी प्रॉब्लम है वो नहीं देखने को नहीं हो रहा है आपको। हाँ, वो सभी ने उतना है ना। अभी वो कौन बात कर रहे हैं, एक तो कोई तो बात कर रहे क्या? ईडी ऑल ओवर कर्नाटका में मेरे को एक दिखा हुआ ऐसा एक बंदा है कि विद्यार्थियों को इतना प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग कुछ तो करेंगे करके, कोई तो बात कर रहे क्या? बोलो मेरे को, सिर्फ इन्होंने क्या कर रहे हैं, राजकीय करने का हमारा। आपको क्या लगता है कांग्रेस सियासत इनकी पॉलिटिक्स कर रही है? 100% है सर, इसमें पॉलिटिक्स उतना ही कर रहे हैं। मैं एक बात बताता हूँ उनको, तुम लोग कौन है? आप भाजपा के इशारे पर काम नहीं करते? नहीं करने वाले, हम लोग क्यों करते जी? हम पहला है, एबीवीपी पहला है। विद्यार्थी, ये जो आपकी विद्यार्थी शाख है एक पॉलिटिकल पार्टी? नहीं, वो कैसा है, वो एक कल्पना है वैसा। वो कैसा करते हैं अभी कांग्रेस वाले बोलते हैं कि एबीवीपी वाले बीजेपी का, हम लोग नहीं है। हमारा सेपरेट हम लोग होराट करते हैं। कांग्रेस विरोधी भी नहीं है? कांग्रेस तुम अच्छा काम करो जी, हम लोग तुमको अप्रिशिएट करते आके। अच्छा, 5 स्कीम जो लागू किए हैं कांग्रेस, उसकी हिमायत में है आप लोग? हम लोग क्या उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन उसमें से क्या प्रॉब्लम हो रहा है विद्यार्थियों को, हम लोग उतना देख रहे हैं। अभी विद्यार्थियों को आपको मैं बता, फ्री पास तो मिल ही रहे हैं जिसको, लेडीज वगैरह जो जा रही है लड़कियों को। अभी तुम फ्री पास दिए? हाँ, फ्री पास देने के बाद आप लोग उनको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, कितने बसेस आप छोड़ रहे? देने का मतलब नहीं जी, मैं भी देता हूँ अभी आके, हाँ फ्री दे दो। फ्री देने के बाद कितने जन को मिल रहे बसेस में? अभी उसमें तो हिंदू मुस्लिम नहीं रहता ना, वो सभी बच्चे ही है, स्टूडेंट्स ही होते हैं, स्टूडेंट सीखने के लिए आ रहे हैं। सभी बच्चों को अच्छा एक शिक्षण मिलना चाहिए। अभी ग्रामीण वाले बच्चे हैं, हर रोज मेरे को एक फ़ोन करके बोलते हैं, हम लोग हमारा एबीवीपी को, नहीं सर इधर से इधर बसेस प्रॉब्लम हो रहा है करके। हम लोग परसों दिन स्ट्राइक किए उनके साथ, नहीं हमको बोलते कि नया बसेस ला रहे। किधर से ला रहे आप लोग बसेस ला रहे क्या? किसको बसेस मिल रहे क्या? आपको और एक बात बताता हूँ, कितने जन को आप स्कॉलरशिप दे रहे हैं? मेरा एक क्वेश्चन है, अभी कितने जन को स्कॉलरशिप मिला? उसमें तो ये नहीं है, जात धर्म देखते नहीं है। हम लोग करते हैं कि स्टूडेंट्स फेवर में वो कुछ भी कौन सा भी एक स्टूडेंट्स रहने दो, वो मुसलमान का कुछ ये रहने दो, हिंदू का रहने दो, हम उतना वैसा नहीं जात धर्म नहीं देखते हैं एबीवीपी में। एबीवीपी देखते हैं कि शिक्षण का परिवर्तन करने के लिए हम लोग आए हैं, और शिक्षण का परिवर्तन ही करने हम लोग निकालेंगे। वो कोई तो क्या तो बोलता रहता है, एबीवीपी बोले तो बीजेपी वैसा करके। एबीवीपी पहला है, 1949 में हमारा स्टार्ट हुआ है, बाद में भाजपा आया है। बीजेपी पहला नहीं है, पहला है एबीवीपी। एबीवीपी लेकिन बात तो ये आम ही है, तो ये बीजेपी के अंडर में ही ऑपरेट हो। वो ऐसा बात करते तो किधर तो वो बोलते तो किधर तो ऐसा ये करके बात करते तो हम लोग क्या नहीं बोल सकते उनको। थोड़ा वो सोच छोड़ के बाहर आके देखो एबीवीपी क्या है, आपको मालूम पड़ता है। 75 ईयर्स हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्टूडेंट मूवमेंट में है, लेकिन वो राजकीय में जाके किधर तो जाके वो काम नहीं करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, ये थे हमनाबाद में इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।